मीडा वे में आप सभी का स्वागत है। मीडा वे की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। इससे पहले दो वीडियो में मैं लेके आ चुका था, जिसमें मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जो कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में बताया था, और साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे एसएससी जेई में उसको भी मैंने डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ इलास्टिक कॉन्स्टेंट, जो आपके जैसे पॉइजन रेशियो हो गया, आपका यंग्स मॉडुलस हो गया, शेयर मॉडुलस हो गया और बल्क मॉडुलस हो गया, तो उन पर रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं यानी कि जो आए हुए हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं उनकी उम्मीदें हैं आने की, तो उनको डिस्कस करूंगा, यानी कि कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका इस सीरीज़ का 21st क्वेश्चन है, जो दो वीडियो आई थी उनमें मैंने 20 क्वेश्चंस कवर कर दिए थे, ये 21st क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा। देखिए मैंने क्या किया है, क्वेश्चंस को उस तरीके से अरेंज किया है कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इनको क्वेश्चंस को असाइन किया हुआ है। तो 2017 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की डेफिनेशन ही पूछ ली गई थी आपसे। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए आप क्या हो, जब भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो आप एक पेन और पेपर साथ में लेकर बैठिए। ठीक है, उसको क्या कीजिए, आप लोग आंसर्स खुद ही करते जाइए। हालांकि देखो जितनी देर में मैं बोलता हूँ उतनी देर में तो इनके आंसर्स आ ही जाते हैं, 2 मिनट में भी नहीं लगते अगर आपको आता होगा क्वेश्चन, तो आप लोग मन में ही सोच सकते हैं। ठीक है, और जो सॉल्व करने वाले हैं वो आप लिख के देख लीजिए, जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो उसको मैच कर लेना, और उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा आपका क्यों वो आंसर होगा। ठीक है, तो मॉडुलस और रिजिडिटी होता क्या है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए क्या है, एक बार, एक आपका प्रिज्मेटिक बार है। ठीक है, इसमें क्या किया है आपका, नीचे से क्या है ये फिक्स्ड है, जो बॉटम से क्या है, बॉटम सर्फेस इसका फिक्स्ड है, और मैंने क्या किया इसमें एक शेयर फोर्स लगाया पैरेलल टू दैट फिक्स सरफेस। ठीक है, शेयर फोर्स लगाया जिसका क्या है, टाउ शेयर फोर्स लगाया, तो क्या करेगा ये मूव करेगा इस तरीके से, क्या होगा आपका टेंशन मूव कर जाएगा, और उसमें क्या आ जाएगा, एक आपका एंगुलर वो आ जाएगा। तो अगर जो पहले वाली कंडीशन थी उसके साथ हम अगर एंगल देखें, जो एंगल फाइ दिख रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, शेयर स्ट्रेन हो जाएगा, यानी कि इतना स्ट्रेन उस बॉडी में आ जाएगा। तो शेयर स्ट्रेस वाई शेयर स्ट्रेन जो आपका होता है वो क्या होता है आपका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की डेफिनेशन क्या होती है, द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर जो रेशियो है शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का, डेट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस भी आपका क्या होता है, सेम ही होता है, उसमें क्या होता है लीनियर स्ट्रेन होता है, लीनियर स्ट्रेस होता है अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, लेकिन जितने भी आपकी कंडीशन है वो किसके अंदर आती हैं, इलास्टिक लिमिट के अंदर आती हैं। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में, बस उसमें ऑप्शन अलग कर दिए गए थे। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया है, इसमें मैं ऑप्शंस के जरिए आपको बताऊंगा होता क्या क्या चीज़ें। ठीक है, एक्सियल स्ट्रेस टू द लेटरल स्ट्रेन कुछ होता है, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होता है। एक्सियल स्ट्रेस टू द लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता तो आपका क्या होता है, यंग्स मॉडुलस हो जाता है, तो ऑप्शन ये तो होता ही नहीं है कुछ। लीनियर स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हाँ आपका क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी में तो क्या होगा आपका, तीनों एक कंडीशन आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई यंग्स मॉडुलस की। नेक्स्ट है शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन, अभी बताया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। नेक्स्ट होता है आपका हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका होता है बल्क मॉडुलस, वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक, लेकिन आगे चल के उम्मीद है इन पर क्वेश्चन पूछने की। क्या होता है, व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, मतलब एक बॉडी हमने ले ली, बॉडी हमने ली है उसमें क्या है आपके 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों की इंटेंसिटी क्या है सेम, यानी कि सिग्मा उनके तीनों के स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, अब उनका रेशियो, द रेशियो ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेस यानी कि द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस यानी कि सिग्मा टू द कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि डेल वी वाई वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, डेट विल बी योर वल्क मॉडुलस, ये आपका क्या होता है वल्क मॉडुलस होता है। सिग्मा को हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोस्टेटिक जो आपका पूछा गया था, क्या था ये आपका, ये आपका था हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, तो हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस मतलब कि सारी डायरेक्शन में सेम स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बल्क मॉडुलस हो गया। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़िए क्वेश्चन क्या है आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ एन रेक्टेंगुलर बॉडी सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्ट्रेन ई एंड द पॉइजन रेशियो म्यू। आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप आंसर्स अपने नोट डाउन करके रखें, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ट्रिक है, आप सही से करें उसको, क्वेश्चन को आंसर आप लिख के रखें। तो अब मैं बताता हूँ पहले आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्सेज, जो बेसिक फॉर्मूला है आपका 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्सेज का जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वो होता है फॉर द रेक्टेंगुलर बॉडी, रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए बात कर रहा हूँ, सिग्मा एक्स प्लस
ये आपका क्या हो गया, आपका ई वी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, तो क्या है ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है लीनियर स्ट्रेन, और जेड डायरेक्शन में जो लीनियर स्ट्रेन है, उनका सम क्या होता है आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है फॉर द केस ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला ये आपका। और अगर मैं उसको एक्सपेंड करूँ ई और उसके सिग्मा के टर्म में, तो क्या होता है वन माइनस टू म्यू अपॉन ई, इनका मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, आप डेरिवेशन करके भी देख सकते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि तीनों में क्या लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस लग रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा सेम हो जाएगा, तो आपको जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आपका हो जाएगा वन माइनस टू म्यू अपॉन ई थ्री सिग्मा। और अगर ई के टर्म में बात करें, लीनियर स्ट्रेन की बात में बात करें, तो वन माइनस टू म्यू इंटू थ्री ई। ठीक है, सिग्मा बाई ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, स्मॉल ई स्ट्रेन हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ एन रेक्टेंगुलर बॉडी सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स, यानी कि केवल एक ही फोर्स लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में एक्सियल फोर्स लग रहा है और बकाया के डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है। तो यानी कि मान के चलते हैं एक्सियल डायरेक्शन में क्या हो गया आपका, सिग्मा एक्स ही आपका फोर्स लग रहा है, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड क्या है आपके, जीरो है। तो आपका आंसर जो आपका होगा वन माइनस टू म्यू अपॉन ई, यानी कि केवल सिग्मा लगेगा आपका, थ्री सिग्मा नहीं लगेगा। तो ये आपको ध्यान से देखना है कि एन एक्सियल फोर्स है, क्या है, तीनों डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, एन एक्सियल फोर्स है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, ई यानी कि सिग्मा वाई ई क्या, सिग्मा वाई कैपिटल यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, स्मॉल ई स्ट्रेन वन माइनस टू, डेट विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन से पहले क्या देखते हैं, देखिए ये क्या गया था, रेक्टेंगुलर की केस में बात की गई थी, अगर मैं सिलेंड्रिकल बॉडी और अगर मैं आपके स्पेरिकल बॉडी के बारे में बात करूं तो क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला में बताऊंगा आपको। सिलेंड्रिकल बॉडी में क्या होता है, टू ई सी प्लस टू एप्सिलॉन ए। ठीक है, इसमें क्या है आपका, एप्सिलॉन सी क्या है आपका, डेट इज योर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन, और एप्सिलॉन ए क्या है आपका, एक्सियल स्ट्रेन। तो अगर मैं बात करूं, अगर प्रेशर, जैसे कोई भी एक सिलेंड्रिकल बॉडी है उसमें क्या है, पी प्रेशर लग रहा है, यानी कि हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस भी बोल सकते हो आप लोग, प्रेशर लग रहा है, और डी क्या है, डायमीटर है उसका, टी क्या है, थिकनेस है उस सिलेंडर की, फोर टी ई, ई क्या है आपका, यंग्स मॉडुलस है, फाइव माइनस फोर म्यू क्या है आपका, पॉइजन रेशियो है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला जरूर ये है आपको याद करना, क्योंकि ई एस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, स्पेरिकल बॉडी में क्या आता है आपका, थ्री इंटू एप्सिलॉन सी, यानी कि क्या है आपका, जो आपका जो आपकी एप्सिलॉन सी है, यानी कि ये सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन, और उसके लिए भी अलग फॉर्मूला होता है, वो आप लोग अगर आपका आने वाले जो उसमें होगा क्वेश्चंस होंगे तो मैं उनको डिस्कस करूंगा, जैसे प्रेशर में होता है ना सिलेंड्रिकल सेल और जो आपका स्पेरिकल सेल में आते हैं, तो क्या होता है उसका, थ्री पी डी बाई फोर टी वन माइनस वन, डेट विल बी योर आंसर फॉर का स्पेरिकल बॉडी। नेक्स्ट है यंग्स मॉडुलस की यूनिट पूछी गई थी, सिंपल था 2017 में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें किसमें पूछ ली गई थी, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ ली गई थी, डेट विल बी योर आंसर। क्यों, क्योंकि आपका क्या होता है, ई इक्वल सिग्मा ई एप्सिलॉन होता है, और सिग्मा क्या होता है, स्ट्रेस, और एप्सिलॉन यानी कि स्ट्रेन, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो ई की यूनिट क्या होगी, सिग्मा के इक्वल होगी। नेक्स्ट है आपका पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो क्या होता है आपका, पॉइजन रेशियो क्या होता है, देखिए आपका क्या होता है, 2014 में पूछा गया था, एक आपने बार ले लिया, ठीक है, एक प्रिज्मेटिक बार ले लिया, जिसमें क्या किया आपने, एक्सियल स्ट्रेस लगाया, तो एक्सियल स्ट्रेस से क्या होगा, उसमें क्या होगा, एक तो आपके डायमीटर भी चेंज होगा और आपका क्या होगा, लेंथ भी चेंज होगी। तो डायमीटर चेंज होगा वो क्या होगा, लेटरल डायरेक्शन में हो गया, और जो लेंथ चेंज होगी वो क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगी। तो यानी कि डायमीटर चेंज, यानी कि लेटरल स्ट्रेन जो आपकी की आ रही है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, डेट विल बी योर पॉइजन रेशियो। तो क्या होता है आपका, पॉइजन रेशियो इज लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और उसको क्या है, डायमीटर के चेंज में लिखा है, डेल्टा डी बाई डेल्टा डी नॉट अपॉन डेल्टा एल बाई एल नॉट। अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन यूज़ किया है, क्यों किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर दोगे, ठीक है, मैं नहीं बताने वाला। 26 क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट में आपका क्या है, नोमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसमें क्या दिया गया, आपको लोड दिया गया 20,000 kg, ठीक है, और एक ब्रास सिलेंडर पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जिसके लेंथ क्या है आपकी 40 सेंटीमीटर है, और आपके डायमीटर क्या है 10 सेंटीमीटर है। जैसे ही उसमें फोर्स लगता है तो उसकी लेंथ चेंज कितनी हो जाती है, 0.8 सेंटीमीटर चेंज हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, और डायमीटर इसका 0.05 सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। सारी यूनिट सेम उसमें है तो उसको यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होता है आपका, पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताया, डेल्टा डी बाई डेल्टा डी नॉट अपॉन डेल्टा एल बाई एल नॉट। इसमें क्या है, डेल्टा डी यानी कि जो
डेल्टा डी है कितना है, -0.05। क्यों 0.05 क्यों है, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस साइन के लिए इसमें लगाया गया 0.05। ओरिजिनल कितना है 10 सेंटीमीटर, चेंज कितना हो रहा है, इंक्रीज कर रही लेंथ, तो पॉजिटिव में आएगी 0.8, और कितना आ रहा है 40 सेंटीमीटर, डेट विल बी योर ओरिजिनल लेंथ। तो उसको जब सॉल्व करोगे आपका सिंपल क्या आंसर आ जाएगा 0.025। देखिए यहाँ पे यूनिट सेम दी गई है, कभी कभी क्वेश्चन में यूनिट डिफरेंट दी गई तो आपको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पॉइजन रेशियो कौन सी बॉडी में यूज होता है, टू डायमेंशनल में होता है, वन डायमेंशनल में होता है, दोनों में होता है। देखिए पॉइजन रेशियो क्या है, 2D में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 3D में भी होता है, जैसे मैंने रेक्टेंगुलर वाला केस भी बताया था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इसलिए मुझे, तो तीनों में भी यूज होता है, तो बोथ 2 एंड 3 डायमेंशनल में यूज होता है, वन डायमेंशनल में यूज नहीं होता। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज लेस देन, देखिए रेंज क्या होती है आपकी पॉइजन रेशियो की, 0 से 0.5 होती है, ठीक है। जीरो आपकी जो होती है, जो मिनिमम होती है, वो किसके किसके लिए, कॉर्क के लिए हम लोग जल्दी नहीं मारते हैं, उसका क्या 0.08 के आसपास आपका होता है, तो उसका सबसे लोएस्ट मानी जाती है कॉर्क के, ठीक है। 0.5 किसके की होती है, रबर की होती है आपकी 0.5 के आसपास, तो पॉइजन रेशियो का रेशियो यही होता है। और जो मेटल्स होते हैं वो जनरली आपके 1/3 यानी कि 0.34 के आसपास, ये 3.5 के आसपास होते हैं आपके, 0.25 से 0.35, यानी कि 3.5 भी हो सकते हैं, 3.3 भी हो सकते हैं, इसके रेंज में आते हैं मेटल्स की बात करें तो। तो अब पूछा गया है इसमें, देखिए हाईएस्ट वैल्यू पॉइजन रेशियो पूछ लिया गया है, रबर, कॉपर, स्टील और कंक्रीट। मैंने अभी आपको बताया रबर का होता है, देखिए रेंज भी मैंने आपको बता रहा हूँ, 0.45 से 5 के बीच में होती है रबर की, कॉपर की 0.31 से 3.4 तक होती है, स्टील की 0.25 से 0.33 होती है, और कॉन्क्रीट की 0.08 से 0.08 तक होती है, ठीक है। तो ये आपकी रेंज है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है इसमें, रबर की, और इन ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे कम किसकी है, कॉन्क्रीट की है। नेक्स्ट क्या है, पॉइजन रेशियो जीरो है तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर पॉइजन रेशियो किसी का जीरो है तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। द मटेरियल रिजिड, द मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक, देयर इज नो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इन द मटेरियल। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नहीं होगा तो क्या होता है, ये डिवाइड में आता है जीरो, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, नन ऑफ दीज हो सकता है। देखिए क्या होता है, रिजिड, रिजिड का मतलब क्या हो गया, उसकी कोई भी स्ट्रेन नहीं आ रहा उस बॉडी में, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए, द मटेरियल इज रिजिड। लेकिन किसी बहुत सी बुक्स में क्या है, नन ऑफ दीज ऑप्शंस दिया गया है, तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जीरो का क्या होता है, नियरली कॉर्क का होता है, उसमें क्या होता है आपका लेटरल स्ट्रेन आपका नियरली जीरो होता है, यानी कि क्या होता है लेटरल स्ट्रेन उसमें नहीं होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन थोड़ा सा होता है, लेकिन लेटरल स्ट्रेन बहुत ही कम होता है, नियरली टू जीरो होता है, ठीक है। तो उसका पॉइजन रेशियो हम जीरो के आसपास मानते हैं, तो मेरे हिसाब से जो रिजिड बॉडीज होती हैं उनका होता है, लेकिन कई कई जगह नन ऑफ दीज दिया गया है, तो अगर आपको वैलिड रीजन मालूम है कि रिजिड नहीं हो सकता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या है, ठीक है, और मुझे ही बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। वैसे मेरे हिसाब से तो मटेरियल रिजेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे पूछ लिया गया है कि यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और पॉइजन रेशियो में डायरेक्टली आपकी एक्सप्रेशन पूछ ली गई है, देख लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, गलत करके आते हैं हम लोग जल्दबाजी में, ठीक है। जल्दी ध्यान से देखिए, ये तीन फॉर्मूले जो होते हैं आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूँ शेयर मॉडुलस की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है G=E/2 1+μ, याद रखिए 1+μ होता है यहाँ पे, ठीक है, E/2 1+μ, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। और अगर मैं बल्क मॉडुलस की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है E=3K(1-2μ), ये क्या होता है 1-2μ होता है, उसमें क्या होता है 1+μ होता है, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस में रिलेशन क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको इक्वेट करके आप लोग निकाल सकते हैं खुद ही, क्या होता है μ=3K-2G/6K+2G, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, तो आपको अगर याद है तो जल्दी बेटर है, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम मिलता है, तो आप डायरेक्ट ही उसका ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला हो गया। अब ये एक्सप्रेशन 2008 में पूछा गया था, इसमें कुछ नहीं दिया गया था क्या है, ठीक है। तो सी जनरली हम लोग क्या मानते हैं, शेयर मॉडुलस को मानते हैं, 1/m क्या होता है म्यू, यानी कि पॉइजन रेशियो होता है, ठीक है। देखिए इसमें आंसर कोई सही है, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने पिछली उसमें स्लाइड में बताया था आपका क्या होता है G=, क्या होता है E/2 1+μ, ठीक है, इसके इक्वल होता है आपके, तो यहाँ पे तो प्लस वाला कोई साइन है ही नहीं, और प्लस अगर नेगेटिव वाला साइन की बात करें वल्क मॉडुलस वाले की, तो 1-2μ 3K होना चाहिए, ऐसा कुछ है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कई ऑप्शंस क्या आते हैं, कई क्वेश्चंस क्या आते हैं आपके, गलत भी आते हैं SSC JEE और RRB JEE में, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें बिल्कुल बहुत ही दिमाग लगाने लगो कि क्यों ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, ये तो होता नहीं है, टाइम ज़्यादा दो, अगर लग रहा है आपको कॉन्फिडेंट हो तो उसको छोड़ दो, क्या होगा आगे चल के आपको उसके मार्क्स मिलेंगे या फिर जो भी उनका प्रोसीजर होगा उस तरीके से वो क्वेश्चन हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, फॉर अ मटेरियल विद द पॉइजन रेशियो 0.25, पॉइजन रेशियो कितना दिया गया, 0.25 दिया गया है।
रेशियो पूछा गया है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में रेशियो पूछा गया है। तो क्या होता है आपका, ई इक्वल्स टू टू जी वन प्लस म्यू होता है। जी वाई ई क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू ब्रैकेट में वन प्लस म्यू, म्यू की जगह क्या रखोगे 0.25 रखोगे। जब आप आंसर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 0.4, यानी कि ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई जी और के बीच में रिलेशन पूछ लिया गया आपका, क्या रिलेशन होगा। तो उसका रिलेशन होता है ऑप्शन डी, दैट इज इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू 9 kg अपॉन 3 kg प्लस जी, दैट विल बी योर आंसर। और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में आते भी हैं, देखो 2010 और 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे भी ऑप्शंस हैं इसमें, आ सकते हैं आरबी जी और एस एस सी जे ई में, ठीक है। तो क्या होगा, 9 yi इक्वल्स टू 3 yj जी प्लस 1 k। तो इनका ऑप्शन क्या है, ये ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन ड्राइव करना क्यों है फॉर्मूले वगैरह, क्योंकि ये तो क्या होता है आपको विद इन सेकेंड्स इनका आंसर्स लगाना होते हैं आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 yi इक्वल्स टू 3 g प्लस 1 k। ये 34 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, और अगर आपके कमेंट बॉक्स में कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।